الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان لكم مبين صدق الله वला मुबी सदकल नाज़िकामक वरमी वबरक प्रोग्राम में दिल की अथा गहराइयों से मैं आप में से हर एक को खुश कहता के हूँ उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर वफ़ीत के साथ होंगे और ये दुआ करता हूँ कि क़रीम आज की रात और आने वाले दिन के हर तरह के शर से आप में से हर एक की हिफाजत फरमाए औरल्ला करीम आज की रात और आने वाले दिन की हर तरह की खैर व बरकत से हम सबको हिस्सा नसीब फ़रमाए ना जरम एक मुसलमान होने के नाते हम पे दो तरह के हकूक़ लाजम हैं कुछ तो वो हैं कि जिनका तल्ल अल्लाह के बंदू के साथ है जिसे हकूक़ल इबाद कहा जाता है और अल्लाह इज़्ज़त अपने हकूक़ को तो बसाओक़ात माफ़ फरमा देता है मगर बंदू के हकूक़ उस वक़्त तक माफ़ नहीं हो सकते जब तक के बंदू से माफ़ी ना मांग ली जाए और बंदे माफ़ ना कर दें और इनूक लिबाद के हवाले से मैं अक्सर प्रोग्राम्स के अंदर इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बातचीत कर रहा होता हूँ जिसके अंदर मियाँ बीवी के हकूक़ हूँ वालदे के हकूक़ औलाद के हकूक हों लैन दें के मामलात हों और इसी तरह से मुख्तलिफ़ जो हकूको लिबाद हैं उन पर हम मुख्तलिफ पहलुओं से बात कर रहे ही, ही होते हैं उसके साथ साथ जो हकूकल्ला हैं वो भी बहुत ही अहम हैं और हम बसाओकात किसी एक चीज़ की तरफ़ तवज्जो देते हैं तो दूसरी चीज़ को फरामोश कर देते हैं कुछ लोग ये कहते हैं कि हम नमाज़ अदा कर रहे हैं इबादत कर रहे हैं बस यही काफ़ी है किसी का दिल दुखता है तो दुखता रहे किसी के साथ बदतमीज़ी के साथ बदजुबानी के साथ, साथ, साथ पेश आते हैं उसकी दिल आज़ारी का सबब बनते हैं तो वो होता रहे वो उसका मामला है मगर मैं अपनी इबादत के अंदर बहुत ही मजबूत हूँ मैं तो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती रहती हूँ अल्लाह की इबादत करता रहता हूँ तो वो काफ़ी है और कुछ बंदे वो होते हैं कि जो कहते हैं कि मैं तो इंसानियत की खिदमत करता हूँ मैंने फला फुला जगह पर इतने गरीबों की मदद कर रखी है तो मैंने नमाज रोजा ना भी किया तो भी कोई मसला नहीं अल्लाह बड़ा मेहरबान है लेकिन अल्लाह इज़्ज़त ले कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है या ए ईमान वालों ईमान वालों से खिताब फ़रमाया जा रहा है वो जो पहले ही इस बात की तस्दीक करते हैं कि ला अल्लाह किसी सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद रसूल अलैहि वसल्लम और अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं जो दिलो जान से इस पर ईमान रखते हैं उनसे फरमाया जा रहा है कि इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ पिक एंड चूज़ नहीं कि मैंने ये चीज़ इख्तियार कर ली है दूसरे की तवज्जो ना भी हो तो कोई मामला नहीं है नहीं उसके बजाय आपके दिल के अंदर आपके मामलत के अंदर इस चीज़ की तरफ तवज्जो रहे कि आप हुकूकल हूँ हुकूकुल इबाद हूँ दोनों को साथ साथ लेके चलने की कोशिश करें और एक मुसलमान के लिए दरमियानी रास्ता ही बेहतरीन रास्ता होता है जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुल उमूरी औसातुहा के तमाम उमूर में से बेहतरीन रास्ता दरमिया रास्ता है अच्छा अब ये जो हकूक इबाद हैं उस पर मैंने कहा अक्सर मैं बातचीत करता हूँ और यही मेरा अक्सर मौजू भी हुआ करता है इन आगे भी प्रोग्राम्स के अंदर बहुत सारे कई पहलू अभी इस हवाले से बाकी हैं उन पर हम बातचीत करते रहेंगे मगर हकूकुल्ला के हवाले से भी कुछ चीज़ें साथ साथ जिक्र करते रहना चाहिए ताकि वो भी हमारे पेशे नज़र रहें हकूकल्लाह के अंदर अल्लाह के हकूक के अंदर फिर जो हमारी इबादत आ जाती हैं वो भी मुख्तलिफर की हैं उसमें से कुछ इबादत वह हैं जो बदनी इबादत हैं जैसे अब नमाज

फिर कुछ इबादत हैं कि जो माली इबादत हैं कि जिसके अंदर अल्लाह की राह के अंदर आप खर्च कर रहे होते हैं और उसके अंदर कुछ वो चीज़ें हैं कि जो फ़र्ज़ हैं जैसा कि ज़कात की अदायगी है वो फ़र्ज़ है ख़ुद में नमालम सदाकत तो तहिरम बज़क्कीम और अल्लाह इज़़्ज़त ने कुरान हकीम के अंदर मुख्तलिफ मकाम पर बार बार इशात फ़रया अमला व आतुल ज़ग अकीमला व आतः नमाज़ क़ायम करो ज़क़ात अदा करो हक़ुक लाला को भी पूरा करो हक़ुकबाद को भी पूरा करो तो ये जो माली इबादत हैं उसके अंदर ज़क़़ात वो आगे इसी तरह से उसके अंदर फिर दिगर सदाक़त भी हैं और इसी तरह से एक और जो वाजिब है वो कुरबानी का अमल है जिसके बारे नबी करीम सल्ला वसलम ने इशात फरमाया कि योम नहर को अल्लाह रब को सबसे ज़्यादा महबूब अमल वो नहर है और इसी तरह से नबी करीम अलैहि वसल्लम खुद दस साल मदीन तैयबा के अंदर आपने जो क़याम फ़रमाया हर साल आप कुर्बानी का अहतमाम फरमाया करते थे इस कदर इस इबादत की अल्लाह और उसके रसूल करीम वसल्लम की अहमियत हुआ करती थी हम भी हर साल कोशिश यही होती है मुसलमान कि वो कुर्बानी अदा करें मगर कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है इसकी तारीख़ क्या है इसकी अहमियत क्या है इससे मकसूद क्या है क्या फ़क्त एक जानवर को ज़िबा कर देना यही मकसूद है या फिर इससे बढ़ कर कुछ और सबक इसके अंदर मौजूद है तो इस हाले से चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा अल्लाह रबुज़त कुरानकीम के अंदर अर्शात फरमाता है जैसे रोज़ों के हवाले से फरमाया ना किब आलकुमसयाम कमा कुब आलीनकबिलिकम कि रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों उम्म पर फ़र्ज़ किए गए थे और उनके अंदर भी रोज़े रखने के हवाले से मुख्तलिहकाम थे कुछ के कम कुछ के ज़्यादा और कुछ के दिन रात के मिला के और मुख्तलिफ़ उनके अहकाम अपने अपनी कौमों के हवाले से अल्ला रबुज़त ने उनको अदा फरमा रखे थे और उम्मत महमदिया सलील्हु वम उनका जमज़ान का महीना है उसकी अपनी इनफरादी शान है इसी तरह से जो क़ुरबानी का मामला है इसके बारे भी अल्लाह अल्ला रबालत फ़रमाता है वाली कुल्ली उम्म इन जालना मनसा का हमने हर उम्मत के लिए इस कुर्बानी को कायम कर रखा था और बिल्कुल अगर हम कुराने हकीम की तिलावत करते हैं तो हमें इसकी तारीख़ को मालूम करने के लिए जिन आयात की तरफ इशारा मिलता है उससे मालूम होता है कि बिल्कुल इब्तदाय इंसान से ही ये मामला शुरू हो गया था हज़रत आदम आसमाम के दो बेटे हाबील और काबिल उनकी क़ुरबानी वो कुरानीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई वालमिल दोनों भाइयों के दरमियान मामला हुआ किसी शादी के हवाले से किसी लड़की से शादी के हवाले से और दोनों की मंशा थी कि शादी वहाँ पर हो लेकिन मामला जब बढ़ गया तो फैसला ये हुआ कि दोनों कुर्बानी करेंगे जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई वो वहाँ पर शादी कर लेगा तो हाबील वो माल मवेशी चराया करता था और उसने उसमें से जो सबसे अच्छा कुछ जानवर था वो कुर्बानी के लिए पेश कर दिया जो काबिल था उसकी खेती बाड़ी का काम था तो उसकी वो गंदम वो माल के जो बोसीदा हो चुका था नाकारा पड़ा था उसने वो कुर्बानी के लिए पेश कर दिया पहली उम्मतों के अंदर हर चीज़ की इस तरह मुख्तलिफ अशिया की कुर्बानी का मामला हुआ करता था और अब दोनों ने क़ुरबानी पेश की लेकिन एक वो था कि जिसने अपनी जो सबसे पसंदीदा चीज़ थी अपने माल के अंदर जो सबसे ज़्यादा उसे पसंद था उसने वो अल्लाह के इराग के अंदर पेश किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ यही चीज़ देखी जाती है यनाल अल्लाह नहीं अनुमुआ वाला दिमाऊ हुआ वाला अनु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तो नहीं देखता और उस तक ये नहीं पहुँचता कि उसके जानवर कितना किस किस्म का है उसका गोश्त उसकी हड्डियाँ वो अल्लाह तक नहीं पहुँचती वहींवाकुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो दिलों के राज जानता है उसकी निगाह तो दिल पर होती है कि बंदे के दिल के अंदर जज्बा क्या है किस जज्बे के साथ वो अमल कर रहा है और फरमाया ना कि लन तनाल्रा हता तुनफिको ममा तो हिब्बोन नेकी को उस वक्त तक नहीं पहुँच सकते आप इबादात कर रहे हैं आप जिक्र अज़कार कर रहे हैं आप रोज़े रख रहे हैं आप तस्बीहात कर रहे हैं और बहुत सारे नेकी के काम कर रहे हैं लेकिन फरमाया कि नेकी के उस मैार तक जो अल्लाह के यहाँ महबूब तरीन है ये तमाम चीज़ें इनकी अपनी अहमियत है लेकिन फरमाया लन तनाबर्रता तनफी को माँ तोहबोन तुम नेकी के उस मैार को उस वक्त तक नहीं पहुँच सकते कि जब तक कि तुम उसमें से ख़र्च ना करो जो तुम्हें पसंद हो तो अब हाबील ने जो पसंदीदा चीज़ थी वो अल्लाह की राह के अंदर पेश की काबिल ने जो भी बसीदा सा मामला सर से उतारने के लिए उसने वो पेश कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है फ़तोकबीन अहद हीमा वम्यूताब मिनला आख़र दोनों में से एक की कुर्बानी कबूल कर ली गई दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई और यह भी एक फ़र्क़ है कुर्बानी के अंदर पहली उम्मतों के यहाँ और उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पहली उम्मतों के अंदर यह ज़रूरी होता कि आपने जो भी कुर्बानी करनी है उसको आप बाहर किसी मैदान के अंदर जा कर रख दें अगर आसमान से एक आग आती है उसे अक्सर कर जाती है कुर्बानी कबूल कर ली गई और अगर ऐसा नहीं होता वो वहाँ पर गलता सड़ता रहता है वो जानवर हो वो कोई भी चीज़ जो अल्लाह की राग के अंदर पेश की गई है वो वहाँ पर बदबुजार गलती सड़ती रहे तो लोगों को मालूम हो जाता कि फ़ुदा शख्स की कुर्बानी कबूल नहीं की गई तो ऐसा ही हुआ दोनों ने कुर्बानी पेश की एक की कुर्बानी कबूल कर ली गई कि उसे आग ने जला दिया दूसरे की कुर्बानी कबूल ना हुई तो अब उसे मज़ीद गुस्सा आया और इसके अंदर अल्लाह रबत ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में ये करम और फजल फरमाया है कि पर्दे का मामला रखा है यहाँ पर हम कुर्बानी करते हैं सभी करते हैं किसकी कबूल होती है किसकी नहीं होती है अल्लाह इज़्ज़त जानता है इंसान अपनी खलूस से नीयत के साथ करे और अल्लाह से ये तो रखे कि वो उसे क़बूल फ़रमाएगा मगर हतमी तौर पर कोई किसी के हवाले से कुछ भी नहीं कह सकता कोई किसी के हवाले से कहे जी उसने फलां किस्म का जानवर दिया है फलां किया है फलां किया नहीं ये उसका और उसके रब का मामला है लेकिन वहाँ पर ये चीज़ आश्कार हो जाया करती थी अब वो एक जिसकी कुरबानी कबूल नहीं हुई उसे गुस्सा आया उसने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया और वो पूरा वाक़ कुरान है के अंदर मौजूद है तो मकसूद कलाम ये है कि बिल्कुल आगाज़ इंसानियत से ही कुर्बानी का मामला शुरू हो गया अब उसके बाद फिर आगे मुख्तलफ़ आयात मुबारक यहूद के यहाँ कुछ आयात के अंदर इशारा मिलता है कि वह भी यही क़ुरबानी का अहतमाम किया करते थे अल्लाह कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है कि जब उनसे ये कहा जाता है कि अल्लाह पर ईमान लाओ तो वो कहते हैं कि हत्ता यातीना भी क़ुरबान कि हम उस वक़्त तक आप पर ईमान नहीं लाएंगे कि जब तक आप वो एक ऐसी कुर्बानी ना करें कि जिसे आसमानी आग आके खा ना जाए जब वो आसमानी आग आके उसे खाएगी हमें पता चलेगा कि आपकी कुर्बानी कबूल कर ली गई है हम आपको नबी मान लेंगे आपको तस्लीम कर लेंगे तो अल्लाह इज़्ज़त फरमाया कुल खत जा रसुल उम बिन क़बली बिलबिय नातीदी कुल तुम फली मैं कतल तुम हम इनको तुम स्वाद तुम जिस चीज़ का मुतालबा कर रहे हो इससे पहले जो अम्बिया और रसुल आते रहे वो इस तरह के मोजात पेश करते रहे वो इस तरह के कुरबानियाँ पेश करते रहे उसका मुशाह करने के बावजूद तुमने उन पर ईमान नहीं लाए बल्कि तुमने उनको कतल किया उन्हें शहीद कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि तुम जो मुतालबा करोगे तो रब ताला वैसा ही करता रहेगा बल्कि उसने तमाम जो मुख्तलिफ दलाल हैं वो तुम्हारे सामने रख दिए अब जो चाहे फमन शाह अफल युमिन वमन शाह अफल जगफुर जो जिस रास्ते पर चलना चाहे वो उसका इख्तियार रखता है अल्लाह रबुल्ज़त किसी को मजबूर नहीं करता तो उनके यहाँ भी ये कुर्बानी का तस्वुर पाया जाता था और अब यह कुर्बानी है क्या इसका फ़लसफ़ा क्या है ये कुर्बानी का मकसद क्या है यही सवाल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्हसम माँदल अदा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी है क्या इसका मकसद क्या है फ़रमाया सुन्ना सुन्नत अभी को बराब सरबरत आलम अलैहि वसल्लम की खसूसियात में से एक ख़ासियत यह भी थी कि आपने फरमाया ओती तो बे जवाामकलम कि मुझे रब त ने जवाामकम से नवाज़ा है यानी आपका कलाम मुख्तसर और उसके अंदर मानी का एक समंदर मौजूद हुआ करता

तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुख्तसर से जुमले के अंदर कुर्बानी का पूरा फ़लसफ़ा आ जाता है जब साहब कराम रदूवा ने मजमाइन ने पूछा यार रसूल सल्हस माह है ये कुर्बानी है क्या तो आपने फ़रमाया सुन्नत तो अभी कम ये तुम्हारे अब इब्राहीम तो की सन्नत है यानी क़ुरबानी कोई सिर्फ़ जानवर को बाह कर देना मकसूद नहीं है बल्कि जो उसका जज्बा है उसके पीछे जो मकसद है उसको समझने के लिए हज़रत इब्राहीम की हयात मुबारक का मताल कर लो कि उनकी ज़िंदगी के अंदर एक ही चीज़ नज़र आती है कि कोई परवाह नहीं है ज़माना नाराज़ होता है हो लोग मुखालफत करते हैं करें कोई खुश होता है कोई नाराज़ होता है कोई परवाह नहीं है मद् नज़र सिर्फ़ ये है कि मालिक की मर्ज़ी क्या है जो उसकी मंशा है जो उसकी मर्ज़ी है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते चले उसमें लोगों के इन्फ्लुएंस से ज़्यादा रब ताला के हुक्म और उसकी मंशा और उसका जो फरमान है उसकी रोशनी के अंदर अपनी ज़िंदगी के मामलत को देखना ना ये कि वो फँ रिश्तेदार क्या कहेंगे फलाँ दोस्त अहबाब क्या कहेंगे फलाँ लोग क्या कहेंगे उसके बजाय फ़कत ये है मकसूद ज़िंदगी कि जो रब तला का फरमान हो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजरती चली जाए हमें तो हजरत सलाम के वाक़े में से सिर्फ इसी चीज़ के बारे मेंमूा ज़्यादा बात की जाती है ज़्यादा इम होता है कि आपने अपने बेटे के गले पर छुरी रख दी थी मगर आपकी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ यही एक कुरबानी नहीं थी आपने पूरी ज़िंदगी कुर्बानियों के अंदर गुजारी आपकी आँखें कैसे घराने के अंदर खुलती है के जिसके अंदर कुफर शिरक का दौर दौरा था बहुत सारे मुफसरीन के राय के मुताबिक आपके वालिद उनका इंतकाल हो चुका था आपके चचा वो आपकी परवरिश करने लगा और चचा वो बुत न सिर्फ ये कि उसे उसकी इबादत किया करता था बल्कि बुत तराशा करता था और आपने जब जू होश संभाला अब अपने उस चचा से कहा कि ये या तो माला अबिलबू तुम इसमायुबस कि इसकी इबादत का क्या मकसद है कि जो ना देख सकता है ना सुन सकता है ना कोई फ़ायदा पहुँचा सकता है ना नुकसान पहुँचा सकता है तो आगे से बड़ा सख्त जवाब मिला कहा कि कॉला रा इब्राहिम यान तहिर और मन्ना का वह जुर्नी मलियाँ कहा इब्राहिम क्या तुम मुझे मेरे खुदाओं से दूर करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा बल्कि मैं तुम्हें शदीद सजा दूंगा अगर तुमने ये बात जारी रखी आप हाँ अपनी तबलीग करते रहे लेकिन देखा कि जब अपने अहलो पे घर वालों पर कोई असर नहीं पड़ रहा तो आपने कौम कबीले को बुलाने की ठानी और उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद की तरफ बुलाया और आप उनको तौहीद की तरफ बुलाते अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता और फिर वो एक वो वक्त आया कि जब कौम के लोग मेला देखने के लिए निकले आपको भी दावत दी आपने जाने से इनकार कर दिया जब वो चले गए तो आप उस बड़े बुतखाने के अंदर तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे जाके आपने वो जितने बुत थे उन सबको तोड़ा और अपना जो कुल्हाड़ा था वो बड़े बुत के पास रख दिया अब वो लोग जब वापस लौट के आए तो उन्होंने कहा कि ये किसने किया है मन हादा भी आली हतीना। हमारे खुदाओं के साथ अपने माबूदिन के साथ ये किसने कर दिया उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि एक नौजवान है फ़तः करम यब्राहीम एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहिम है वो ऐसी अजीब व गरीब बातें करता है कौलू फातु भी आला आयुन नासी शाहरा लाओ सामने देखो तो सही कि ये नौजवान कौन है क्या इसके ख्याल हैं तो जब लाया गया तो आपने पूछा आपने फ़रमाया कि ये जो तुम्हारा बड़ा एक बाबूद है इससे पूछो कि किसने किया है क्योंकि बाकी सारे टूटे पड़े हैं वो तो मौजूद है ना तो उससे पूछो तो वो एक दफ़ा थोड़ा सा उसकी तरफ़ मुतवज़े हुए फिर ख्याल आया कि ये तो बातचीत कर ही नहीं सकता ना सुन सकता है ना बोल सकता है तो हमने इससे क्या पूछना है तो अब वापस हज़रत इब्राहिम इब्राहीम से उन्होंने कहा कि वो तो ना जवाब दे सकता है ना सुन सकता है तो उससे हमने क्या पूछना है तो आपने फरमाया कि तुम ऐसी की इबादत करते हो जो ना सुन सकता है ना तुम्हें वापस जवाब दे सकता है ना तुम्हारी पुकार को सुन सकता है ना तुम्हारी पुकार पर कोई जवाब दे सकता है तो ऐसे की इबादत करने का क्या मकसद तो अब ये मामला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ के जब बादशाह वक्त के पास पहुंचा नमरूद के पास पहुंचा तो उसे लगा कि ये तो मेरी बादशाहत को ख़तरा है मैं सबसे बड़ा रब खुद को कह रहा हूं और लोग मेरे सामने आके सरबसजूद होते हैं मेरे सामने आके सजदा रेज़ होते हैं ये इब्राहिम किसी नए खुदा की बात करने लग पड़े ये कह रहे हैं कुल अहद वो अल्लाह एक ही है अल्लाह समद वो वह बेनियाज़ है लम यलिद वलम वलम कुफुवन अहद उस जैसा कोई भी नहीं है समी उसकी तरह कुछ भी नहीं है कोई चीज़ उसकी मिसल नहीं है वो समी भी है वो बसीर भी है वो अलीम बज़ात सदूर भी खालिक अल बारी अल अलमतकब्ब्बर अल गफ्फार उस रब की तो नई नई शानें हैं और उसकी अपने आप एक निज़ाम कुदरत है <गतितिति> वो इस नए खुदा की तरफ एक और खुदा की तरफ बुला रहे हैं तो लोग उसकी बातों में आ गए तो मेरी सल्तनत को ख़तरा हो जाएगा अब उसने लोगों को जमा किया और कहा कि अगर इब्राहिम को अभी नहीं रोका तो फिर बाद के अंदर मुश्किल में इजाफ़ा होता चला जाएगा ये तुम्हारे खुदाओं का मजाक उड़ाएगा ये तुम्हें किसी नए मज़हब की तरफ नए दिन की तरफ बुलाना चाहता है अगर तुम अपने खुदाओं से सच्ची महबत करते हो तो इसे सबक सिखा दो अब हज़रत इब्राहिम उस वक्त कह सकते थे कि भाई मुझसे गलती हो गई अब पूरी कौम पूरा कबीला पूरी सल्तनत आपके खिलाफ खड़ी हो चुकी है यह है वो कुर्बानी का जज्बा पूछा कुर्बानी क्या है फरमाए आदि सुनना तो अभी कम इब्राहीम हज़रत इब्राहीम की वो पूरी ज़िंदगी को सामने इंसान रख के जब कुर्बानी करेगा ना तो फिर उसको एक नई लज्ज़त भी आएगी फिर उसको कुर्बानी का जो मफहूम है वो इज्जत के करीब करने का एक जरिया बनेगा पूरी सल्तनत पूरा कौम कबीला सभी मुखालिफ हो चुके हैं अब डरते नहीं आपके हंस भी अल्लाम वकील मेरा रब मुझे काफ़ी है वो बेहतरीन का साज है आग के अंदर आग भड़का दी गई है सामने आग मौजूद है आप फिर भी अपने रब की तस्वीर कर रहे हैं आग के अंदर डाल दिया जाता है अल्लाह पाक फरमाता है कुल ना या नारूनी बरदाऊँ सलामन अला इब्राहिम और वो आग पर गुलजार बन गई वो भी एक तवील वाक़ में मुख्तर करता चला जा रहा हूँ फिर अब ये मामला हुआ यहाँ पर आजमाइशें ख़त्म नहीं हुई बल्कि फिर हज़रत इब्राहीम ने जब शादी की वक्त गुजरता गया औलाद नहीं है अब हमारे यहाँ भी यही मसला होता है कि जब शादी के कुछ सालों बाद अगर औलाद ना हो तो फिर हम औकात शिरकिया मामलात के अंदर पड़ जाते हैं हम सोचते हैं कि माज़ अल्लाह खुदा तो नहीं हमें कुछ दे सकता तो हम कुछ दुनिया के खुदाओं के पास जा पहुँचे माज़ अल्लाह और उनसे औलाद मांगने की कोशिश करें शायद वो हमें औलाद दे सकें हम इन मामलों के अंदर पढ़ जाते हैं लेकिन हजरत इब्राहीम वो अपने रब की तरफ रुझू अपने रब की तरफ रुझू उम्र के अंदर इजाफा होता है चला जा रहा है मगर दुआ है रबी हबली मिनिन मेरे मालिक तू वबू का अख्लुकुमा यशा व अख्तार तो अला कुल शन कदीर बागपुरगाद फ़रमा बुढ़ापे के अंदर जाकर जब औलाद की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है अल्लाह रबुलाज़त ने औलाद फ़रमाई अब वच्चा जो बुढ़ापे के अंदर मिला है जब चलने के काबिल होता है वह बड़ा ही खूबसूरत वक्त होता है वालदे की ज़िंदगी के अंदर कि जब बच्चा पहली मरतबा उंगली पकड़ के साथ साथ चलने के काबिल होता है वो बड़ा ही खूबसूरत वक्त होता है वालदेन की ज़िंदगी में लेकिन इस मौके पर कि वो बच्चा जिसे बुढ़ापे के अंदर अल्लाह रबु लज़त ने अता फ़रमाया था वो जब उम्र के उस हिस्से में पहुँचता है तो अल्लाह रबु लज़त हुक्म देते हैं कि ए इब्राहिम इसको कुर्बानी पेश कर दो अब ये वो मामला एक और नई आजमाइश अब हज़रत इब्राहीम भी अपने बेटे के सामने रख देते हैं क्या मेरे बेटे मुझे इस बात का हुक्म दिया गया तो बेटा भी आगे से चूंके चुनाचे क्यों कैसे कुछ भी नहीं खाला या अबा तिफ़ाल तो अमर ए अबा जी जिस चीज़ का हुक्म दिया गया वो कर गुज़री आप मुझे सबर करने वालों में से पाएंगे और हज़रत इब्राहीम फिर अपने बेटे को लेके चल पड़ते हैं ये मामूली अमर नहीं है ये आसान बात नहीं है आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि बच्चे के सर में दर्द हो जाए तो इंसान की रात की नींद ख़त्म हो जाती है इंसान को रात नींद नहीं पड़ती दिन को खाने खाने का जी नहीं चाहता हर वक़्त दुआ का मामला करते हैं लाह आलमीन करम करना जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए और दुआओं का इल्तिजा का मामला उसकी तरफ हम मतवज होते हैं परेशानी में इजाफा होता चला जाता है जब तक बच्चे को चैन ना आ जाए जब तक बच्चे की सेहत बहाल ना हो जाए यहाँ पर आप अपने बच्चे को ले कर जा रहे हैं आपको पता है कि आप किस जानब लेके जा रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ यह है कि मेरे रब का हुक्म है और रब के हुक्म के सामने हर चीज़ सर तस्लीम खम है उसके अंदर चूँके चुनाचे क्यों कैसे कि कोई गुंजाइश नहीं है आप अपने इस मासूम बेटे को लेके उस जगह पे पहुंच के लिटा दिया और लिटाने के बाद छुरी लेके गले के ऊपर रख भी दी और आपने अपनी तरफ़ से चला भी दी थी लेकिन रब तला फरमाता है व फ़ै ना हू बी आज़ीम अजीम इन्हादा लहूलबलामुबीन व फ़दईना बी बहन बहुत बड़ी आजमाइश थी ये बहुत बड़ी आजमाइश थी मगर अलैहि सलाम ने इस आजमाइश के अंदर सबत कदमी का मुजाहरा किया और उन्होंने वो कर दिखाया कि जो कोई सोच भी नहीं सकता जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता और रब त ने उसके बदले जन्नत से एक मेंढा भेजा और जब आपकी आंखें आपने खोली देखा तो बेटा साइड पे मुस्कुरा रहा है और सामने एक मेंढा वह हो चुका ये वो जज्बा है हज़रत इब्राहीम सलाम की हयात मुबारक से जो सबक हमें हासिल होता है कि हम कुर्बानी करने जब जा रहे हूँ वो कुर्बानी यकीनन उसके अंदर आप माल भी पेश कर रहे हैं मगर उसके साथ साथ ये जज्बा भी जहन के अंदर रहे कि रब तला का वो जो फरमान है ना कि या अय्युहल लदीन आ मनोद ख़ुलूफ़ल में काफ़ा कि ईमान वालों इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ ये कुर्बानी करते वक्त इंसान के जहन में ये ना हो कि भाई कोई आसान सा बस मैं सर से उतारूँ कि बस हो गई कुर्बानी कहीं पर मुझे जैसे कैसे करके वो जैसे उसके अंदर वाक़ा मिला कि काबिल ने उसने कहा बस जो भी वो सीधा सा माल पड़ा है वो मैं दे दूँ मेरी कुर्बानी हो जाए बस ताकि वो एक वाजिब है एक ज़रूरी चीज़ है वो पूरी हो जाए उसके बजाय मोहब्बत है ये कुर्बानी दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत का इजहार है कि बारी तला ये तुम एक मामूली सा जानवर तेरे हुक्म के मुताबिक पेश कर रहा हूँ अगर कभी ज़िंदगी के अंदर इससे बड़ी कुर्बानी देने की भी ज़रूरत पड़ी तो मैं तेरे हुक्म के सामने सर तस्लीम हम करता रहूँगा जब इस तरह का मामला होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर कुरान हकीम के अंदर बड़ा ही खूबसूरत अंदाज़ के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम का तज़किरा फरमाता है कि इब्राहीम ने अपना वादा सच कर दिखाया उन्होंने जो बात की उसको पूरा किया और हमने वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलाम अला इब्राहीम उनका जिक्र खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक के लिए कायम कर दिया और फरमाया के हमेशा के लिए इब्राहिम के ऊपर सलामती आऊँ अल्लाह रबुज़त हमें कुर्बानी का मकसद और फ़लसफा सभी की तोफ़ी का फरमाए मुख्तर सा वकफ़ा शामिल करते हैं अल्लाम आलकम व असलकुम वरमि वबरको नाज कराम प्रोग्राम जस्तु के दूसरे हिस्से के अंदर खुश आमदे हिस्से के अंदर हम आपके कॉल्स को भी शामिल किया करते हैं सवाल व तो जवाब का गुफ्तू का भी एक सिलसिला जारी वारी रहा करता है अलहमदिल्ला बड़े ही दिनों के बाद और लॉकडाउन की सूरत हाल के बाद कल बहुत सारी मसाजिद के अंदर अपने एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज जुम्मा अदा किया गया अल्लाह रबुल्ज़त जल्द से जल्द मसाजिद के रौनकों जल् को बहाल फरमाए और उसके अंदर यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे कि मैं ख़ास तौर पे बहुत सारे जब दोस्तों से बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि जी उसके अंदर बुज़ुर्ग हजरात वो एहतियात नहीं करते या नहीं करेंगे वो आ जाएंगे आ जाते हैं तो मैंने उन्हें कहा कि ये बुज़ुर्ग ये तो हैं कि जिन्होंने मेहनतें की हैं और जिन्होंने इस क़दर क़ुरबानियाँ दी हैं यहाँ पर उन हालात के अंदर कि जब काम काज भी बड़ा मुश्किल था जब बहुत सारे दीगर मसाइल भी थे इस कदर आसानियाँ भी नहीं थीं उस वक्त उन्होंने मेहनतें की हैं वहाँ पर भी बैक होम के अंदर भी अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट किया यहाँ पर भी अपने हालात को बेहतर किया और उसके बाद फिर ये खूबसूरत जो बड़ी बड़ी मसाजद हैं ये उन्हीं के मेहनतों से और उन्हीं के कुर्बानियों का समर है तो यकीन जो लगाव उनको होगा वो तो उसका तो एक शायद दीगर बात के अंदर आने वाली जनरेशन उसका उस तरह से एहसास भी नहीं कर सकेगी और फिर उसके बाद उनका एक तसलसल के साथ मसाजिद के साथ हर रोज़ जाना नमाज अदा करना वहाँ पर मामूल के मुताबिक तो वो ज़ाहिर है उनका लगाव भी ज़्यादा है उनका शोक़ो क भी ज़्यादा होता है लेकिन उसके साथ साथ यकीन एहतियाती तदाबीर उनको भी इंसान को मनोज़े ख़ाति रखना चाहिए अल्लाह करीम से यही दुआ है कि वो जल्द से जल्द हालात को बेहतर से बेहतर तरफरमाए और ये जिस प्रॉब्लम से और जिस मुश्किल से पूरी इंसानियत गुजर रही है अल्लाह इज़्ज़त इससे पूरी इंसानियत को जल्द से जल्द छुटकारा नसीब फरमाए कि इसके अंदर ना सिर्फ यह कि मसाजद की रौनकों का मामला इसी तरह से हराम त्यबैन के हवाले से बहुत सारे लोग जो हज की तैयारियाँ किए हुए थे उनके हवाले से भी जाहिर है बड़े अरसे आप प्लानिंग करते हैं आपके ख्यालात होते हैं और फिर इस तरह की चीज़ होती है तो तकलीफ का मामला और दुख का चीज़ तो होती है लेकिन बहर अल्लाह रब्बुल जो जो भी करता है उसके अंदर बेहतरी होती है अल्लाह इज़्ज़त पूरी इंसानियत को उम्मत मुस्लिमा को इससे निजात भी अता फरमाए और जल्द से जल्द जो मसाजिद हैं अल्लाह करीम उनकी रौनकों को भी पूरी तरह से बहाल फरमाए और हराम त्यबैन तो की बाद बहाज़री की सदत भी अल्लाह करीम हम सब को बार बार नसीब फरमाए अच्छा आप कुछ कॉल्स को भी शामिल करेंगे मगर कुछ सवाल हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं फिर आपको साथ शामिल करते जाएँगे अच्छा आपने ये पूछा था कि अगर आपके वितर रह जाते हैं और वितर रह जाने की सूरत के अंदर आपको मुकम्मल नमाज़ वो दोहरानी पड़ेगी कि नहीं या उसकी कज़ा भी साथ करनी पड़ेगी कि नहीं नहीं उमूमन भी ये होता है कि जब आप कज़ा करते हैं तो आप अपने फ़राइज़ और वाजिबात की कज़ा किया करते हैं तो अगर आपके सिर्फ वितर रह जाएँ तो उसके अंदर आपको जो बाकी नमाज़ है उसके कज़ा की ज़रूरत नहीं होगी दूसरा आपने इस हवाले से पूछा कि आपके जो अजीज़ व अकारब हैं दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं या फैमिली मेबर्स में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ आप हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हैं ये सवाल बारह किया भी जाता है और मैं इस पर बड़ी तफसील के साथ बातचीत करता हूँ लेकिन ज़ाहिर है कि तकरीबा हर दूसरे शख्स के साथ ये मामला होता है अरबी के अंदर कहा जाता है अल अकारीबो कल अकारबी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो लेकिन बहराल ये एक फ्रेज़ इस्तेमाल किया जाता है एक मुहावरा बोला जाता है कि अल अलअारब कल अकारिब के जो करीबी होते हैं ये दोनों चीज़ें बड़ी करीब करीब है ना अकारिब और अकारिब तो अकारिब का मतलब करीबी है और अकारिब जो है आइन के साथ वो अकरब से निकला है और जिसका मतलब बिच्छू होता है तो वो कहते हैं कि जो बहुत करीबी होते हैं वह बसाओकात बिच्छू भी हो जाया करते हैं और उसका किरदार भी अदा किया करते हैं तो ये एक नेचुरल चीज़ें हैं कि आप ज़िंदगी के अंदर जिनके साथ बहुत ज़्यादा हुसन सलूक भी करते हैं कुछ अच्छा करते हैं जिनको कामयाब बनाने के लिए आप कभी भी कुछ कोशिश करते हैं वो बसाओकत आपको गिराने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं किसी ऐसे स्टेज पे आके किसी ऐसे मरहल पे आके तो बजाय इसके कि आप उनसे बहुत ज़्यादा तो रखें या फिर दूसरी चीज़ इसके अंदर हम अपनी रिश्तेदारी या रिश्तेदारों के मामलों के अंदर हम ये सोच रहे होते हैं कि उस वक्त तक हम शायद अपने जो इबाद हैं या सिला रहमी है वो उस वक़्त तक हम मुकम्मल नहीं कर पाते कि जब तक के हमारे जो रिश्तेदार हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा क्लोज ना हों उनके मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हों तो शायद हम जो हकूक़ इबाद हैं या सिला रहमी है या रिश्तेदारों के जो हकूक़ हैं उनको हम पूरा नहीं कर पा रहे तो ऐसा नहीं होता आप बुनियादी तौर पे आपको यही होता है कि आपने एक शरी तौर के ऊपर उनसे नाराजगी ना हो और ऐसे खास तौर पे कि जो बाद के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल का सबब बनते हों उनसे तो एक मुनासिब हाद तक सलाम दो रखी जाए और उसके साथ साथ फिर मामला में ज़्यादा इन्वॉलमेंट ना करने दी जाए ना हुआ जाए मजीद बात करते हैं साथ साथ कॉलर्स को भी शामिल करते जाते हैं जी असल कॉलर आपको आवाज आ रही है अस्सलाम वालेकुम टीवी की आवाज बंद कर लीजिए बात करने समझने में आसानी हो जाएगी अच्छा चलें फिर नेक्स्ट कॉलर उनकी तरफ चलते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी माशाल्लाह बेटे क्या हाल है आप ठीक हैं मैं ठीक हूं आप ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह अमन बात कर रही हैं मैं 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 बच्ची बात कर रही अच्छा माशाल्लाह क्या नाम है आपका बेटे मेरे नाम है गुड़िया गुड़िया अच्छा अच्छा गुड़िया आप क्या कहना चाहेंगी कुछ ये मेरी माँ है वो बहुत कोरोना वायरस से बिगड़ गई थी और सो नहीं सकती और खा नहीं सकती तो वो क्या कोरोना वायरस से डर रही हैं? कोरोना वायरस से अच्छा अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए तो आप उनको आप उनकी लुक आफ्टर कर रही हैं जी मैं लुक आफ्टर करती अच्छा माशाल्लाह बेटे आपकी एज क्या है एड़। माशाल्लाह आप तो बहुत सेंसिबल, बहुत मैच्योर हैं अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आपकी वालदा साहबा को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती सलामती अता फ़रमाए मैं भी उनके लिए दुआको भी हूँ और मज़ीद भी इस शवाले से बात करता हूँ और अल्लाह पाक उनका सया आप पर कायम दायम रखे और आप इसी तरह से उनकी आँखों की ठंडक बनती रहे ठीक है बेटे बहुत शुक्रिया जजाकम अलमेक

जो संडे के प्रोग्राम के अंदर जो है ना कुछ ना कुछ इस हवाले से बात कर लेंगे वैसे मैं अब ये सोच रहा हूँ कि इस हवाले से हम शायद एक मुकम्मल ही अलग से एक प्रोग्राम करेंगे क्योंकि इसकी बिल्कुल शिफ्टिंग हो जाती है लेकिन फिर भी मलिक साहब मैं कुछ बात करता हूँ ठीक है बहुत शुक्रिया आप शामिल हुए हैं अल्लाह पाक आप आपको सलामत रखे और बरकतें अता फ़रमाएँ ठीक है नेक्स्ट कॉलर हैं उन्हें शामिल कर लेते हैं असल व बरकातहू वरि जी कैसे हैं आप ठीक है साहब करम अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं अल्लाह का शुक्र मेरा आ, सवाल है कुर्बानी के हवाले से मुझे पूछना है कि जो आपके आ, बच्चे हैं, जैसे मेरे बच्चे हैं आ, उनको भी कुर्बानी उनका भी कुर्बानी देना पड़ता है जैसे मेरी दो बेटियां वो जॉब करती हैं और एक बेटा है जो चौदह साल का है तो मुझे जरा बस इसके बारे में पूछना था कि कर्बानी किस किस के ऊपर लाजिम होगी या व्हाट यू प्लीसी जस्ट बी ठीक है ठीक है मैं इंशाल्लाह अर्ज कर देता हूँ ठीक है जी जी अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों को सलामत रखे आपका साया आपके बच्चों पर कायम और रखे और मैं इंशाल्लाह बस अर्ज कर देता हूँ ठीक ज़ा है जीदा अल्लाह आपको अल्लाह फै सलाम अलैकुम व बरकातहू अच्छा रिश्तेदारों के हवाले से उनके हक़ूक़ के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें बिल्कुल ये कतन ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा उनके साथ इन्वालमेंट इस तरह की रखें कि जो फिर बाद के अंदर परेशानी का सौ खासतौर पर ऐसे रिश्ते ऐसे दोस्त ऐसे ताल्लुक़ा कि जिनके अंदर आपको ये महसूस होता है ना कि जी इनके साथ हमने ज़्यादा जब रखते हैं तो फिर नाराज़ी हो जाती है फिर दोबारा से मामलत ख़राब हो जाते हैं या फिर कोई नुकसान की सूरत निकलती है तो ज़्यादा होता यही है कि हम जब सुलह होती है तो बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा वो कुर्बत फिर बहुत ज़्यादा दूरियों का सबब बन जाती है तो हमें मालूम होना चाहिए बजाय इसके कि बिल्कुल ही कट ऑफ हो या बहुत ज़्यादा इन्वॉलमेंट हो किसका किस हद तक हमने मामले को रखना है ये ज़रूर हमें आगाही होनी चाहिए बाकी सिला रहमी यकीन ये एक ऐसा अमर है कि जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वम ने बहुत ज़्यादा तलकीन भी फरमाई है और आपने इशाज़ फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र के अंदर इजाफ़ा हो रिज़् में बरकत हो तो उसे ये चाहिए फल राहिम हो वो अपने रिश्तों को मज़बूत करे उनको जोड़े रखें अल्लाह रबुल्ज़त उसके रिजक के अंदर और उसकी उम्र के अंदर इजाफ़ा और बरकतें फरमाया करते हैं आ, अच्छा आ, दूसरी चीज़ इसके अंदर आ, जो आपने पूछा कि वालदा साहब आपकी वो कोरोना वायरस के शिकार हैं अल्लाह इज्जत उनको सेहत तंदुरुस्ती फरमाए बेटे और यकीनन जो एहतियाती तदाबीर हैं वो उसको पूरा करें डॉक्टर्स की जो हिदायात हैं उस पर भी अमल पैरा हूँ घर के अंदर रहें मख्तल जो जो इस हवाले से तलखीन है उसको भी साथ साथ पूरा करें और सबसे मेन चीज़ यह है कि खौफ से बचें ये एक बीमारी है जैसे दीगर बीमारियाँ आती हैं और दुनिया के अंदर जो लोग इसका शिकार हो रहे हैं इससे वर्स कंडीशन में जाने वाले कम हैं और उससे सेहतियाब होने वालों की तादाद ज़्यादा है अगरचे हमें मीडिया वो सिर्फ वही बता रहा होता है कि जो इसका शिकार होकर फिर वर्स कंडीशन में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा फिर मामला जो ख़तरनाक हो जाता है वो ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है क्योंकि उसी से खबर मिलती है उसी से रेटिंग में इजाफ़ा होता है तो उसी पे फोकस किया जाता है जबकि इसका दूसरा जो पहलू है वो भी बहुत ही अहम है कि जो लोग इसके शिकार होते हैं दीगर बीमारियों की तरह अक्सर व बेशतर अपनी एहतियाती तदाबीर पर और अपने मुनासिब इलाज पर लुकाफ्टर के साथ वो ठीक भी हो जाते हैं अल्लाह रबालत उन्हें शिफात फरमाता है अपने मुकम्मल इलाज के साथ साथ एहतियाती तदाबीर के साथ साथ आप शुर्फा जिसको सूरह शाफिया भी कहा जाता है शिफा वाली सूरत भी कहा जाता है आप इस शुरह मुबारक को हर रोज़ फोटी वन टाइम्स पढ़ के अबालाकदुरुशी पढ़ के अपने बदन पर दम भी करें खाने पीने की जो शिहा हैं उनके ऊपर दम करके इसको पीती भी रहें अल्लाह रबुल इज़त से दुआ को रहें अ रबुज़त आपको सेहत तंदुरुस्ती सलामती और शिफात आफरमाएँ अगबूर मलिक साहब आपने शाम को खाब के अंदर देखा इसकी मुख्तलिफ मुख्तलिफ़ूरतें होती हैं किस तरह से किस अंदाज के अंदर देखा है और फिर उसके मुताबिक बात की जाती है मगर मुख्तसरन यही है कि कुछ इतना मुनासिब नहीं है लेकिन आप जाए इसके कि बहुत ज़्यादा किसी तरह के वहम का शिकार हूँ मैं इन शह भी आपसे बात कर लूँगा इस हवाले से आप बाई तरफ आ, तो, आ, कोई भी इस तरह का ख़्वाब हो बां तरफ थोक दिया करें और उसके साथ साथ आउज़ बिल्लाही आ, मिन शैतवानजीम व मिन शर हाजर रूया यह पढ़ दिया करें साथ इंसान सदका कर दे अल्लाह रबुल्ज़त आसानी का मामला फरमाता है आ, कुर्बानी के हवाले से आपने जिक्र किया तो देखें आ, कुर्बानी उस पर वाजिब होती है आ, हर वो शख्स जो चाहे नौजवान है बुज़ुर्ग है मर्द है औरत है कि जो साहिब निसाब हो आकिल आकिलोबालग हो मुक़ीम हो और उसके साथ साथ वो साहिब निसाब है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है जो छोटे बच्चे हैं जो नाबालिग हैं उनके ऊपर नहीं होती लेकिन वो बच्चे के जो नौजवान हैं और साहिब निसाब हैं तो उनके ऊपर कुर्बानी होगी आपको बतौर वालिद वालदा उनकी कुर्बानी अदा नहीं करनी बल्कि आप अपनी क़ुरबानी खुद करेंगे और वो अपनी कुर्बानी अदा करेंगे अहनाफ के अंदर इसका मामला यही है अगर से कुछ की दिगर ये राय होती है कि एक बंदे की कुर्बानी पूरे घर की तरफ से काफ़ी हो जाए करती है लेकिन अहनाफ के यहाँ ये है कि जितने भी अफरा जैसे ज़क़त वो हर शख्स के ऊपर जो साहिब निसाब होता है उसके ऊपर वाजिब हुआ करती है ऐसे ही फैमिली के वो तमाम अफराद के जो साहिब निसाब हों मुम हूँ बालिग हूँ उनके ऊपर ज़कवात कुर्बानी भी वाज़िब हुआ करती है आ, अच्छा एक दूसरा पिछड़ा सवाल भी इसके अंदर साथ-साथ है उसको भी मैं शामिल कर देता हूँ लेकिन उससे पहले कुछ कॉलर्स उनको भी शामिल कर लेते हैं जी असल असलकुम कॉलर आपको आवाज़ आ रही है

और अपनी तरफ से बीवी की बीवी की भी देता है लेकिन बीवी भी साहेब माल है और इसी तरह अगर वो आप खुद भी हज करता है और बीवी को भी कराता है लेकिन बीवी साहब माल है इसी तरह वालद अपने बेटे को हज कराता है हज कराने के बाद खुद ही कुर्बानी देता है उसका बेटा है और बेटी भी साहब है, दोनों के पास पैसा है क्या वालद के हज कराने के साथ उसका जो फर्ज है वो अदा हो जाएगा और इसी तरह बेटी का अगर वालद उसका यानी आपने पैसे देता है उसकी बेटी के पास पैसे हैं बेटी और बेटे का वो खुद वाल देता रहता है क्या उनका आज फर्ज जो था वो अदा हो जाएगा या दूसरे के पैसे से वालद के पैसे से या क्या इसमें सूरत हाल क्या है और दूसरी बात आपसे ये पूछनी है कि मसाल के तौर पर हमारे कबीलों में आ, लोगों की एक दूसरे से नाराजगी होती है हुँ। तो हुँ। ने फरमाया आपने कुर्बत में सुला करो आया रहमी का क्या मतलब है आया आ, मैं उनको गोद दिया जाए जिसको गोद दिया जाए अगर वो ना ले तो उसको क्या मेरे पास एक दफा एक मेरा साथी मुझसे नाराजा लाया कहना लगा आप गोश्त ले गए कुर्बानी का फला को मैंने दिया उसने नहीं लिया मैंने कहा उसका भी मुझे दे दो और अपना मेरा जो हक है वो भी मुझे दे दो मुझे कुर्बानी से या वैसे भी किसी से नाराजगी करना मुझे ये पसंद नहीं और कुर्बानी का गोच पसंद है ज्यादा अगर कोई मेरा दुश्मन भी दे जाए, दे दे गो तो मैं उसके गोच देने के बाद उसकी जो दुश्मनी है मैं अपने दिल से माफ कर देता हूँ कि उसने इतना एहसान फरमाया सैदना इब्राहिम आलाम की सुनत और मोहम्मद रसुल्ला का सदका मेरे घर कर्बानी पहुंची तो फिर मेरी दुश्मनी तो ना रही ये मोहब्बत में बढ़ गई एक बात और भी पूछना चाहता हूँ जो आपने जिक्र सैदना इब्राहिम आलाम का किया रब करीम फरमाते हैं कि हमने मशरक को मगरब जरूब व शुमाल में इसमें आ जाते इब्राहिम को अपनी हु दिखा दी जब हुकूमत रब खुद कहता हमने दिखा दी तो फिर कोई चीज ओझल भी रहती है और जिसको इब्राहिम अल्लाम को नमरूद ने हमला किया इब्राहिम अल्लाम पर तो तीन चार आदमी बहुत साठ लाख यानी फौजी इब्राहिम अल्लाम के मुकाबले में लाए गए

तो दुरु शरीफ कौन सा ज्यादा पढ़ना चाहिए और ऐसे करीमा कौन सा मजीद की सारा ऐति तो ऐसे करीमा है सही है आप सही तो हाँ प्लीज बताए ऐसे करीमा कौन सी दुआ है कौन सी ऐत है जिसको पढ़े ठीक है आप कौन सा दुरूशरीफ पढ़ते होते हैं वैसे तो मैंने एक मुफ्ती साहब से सुना था जी के दुरू शरीफ इब्राहिम जो है ना जी ये अफजल है जी लेकिन इसके बाद ये ये नमाज में पढ़ो और जो वैसे पढ़ने के लिए वो पढ़ो जिसमें द्रूद भी हो और सलाम भी हो सही है सही है तो वो जैसे मुख्त फिर उसने मिसाल दी दी थी कि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सही है ये भी है जैसे द्रूद आपका कादरिया बोलते हैं आप उसको अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अच्छा ठीक है ये मुख्तलिफ दुरो पाक कर आप इनको पढ़ते हैं जी मैं इस पे मज़ीद अर्ज़ कर देता हूँ बहुत शुक्रिया जी ने क्या हाल आप ठीक है करम मालिकएँ आप लाइव हैं जी बिल्कुल बात कीजिए आप मोहित माशा मैं अपनी तरफ से कुर्बानी दे सकता हूँ तो पैसे दो और बहुत इन अपने अपने भाई माशा बाप या हमारी मां जो दुनिया तो चले गए बीवी ना वाली दुनिया तो चला गया मां है अभी मां या बाप या ठीक दे, दे हो गया मैं कर देता हूं। ठीक है जी, आप सुनेंगे ना तो आपको साथ साथ आवाज भी आएगी और समझ भी आएगी बहुत शुक्रिया आप शामिल हुए अल्लाह पाक अब दोनों को सलामत रखे नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल कर लेते हैं वरक

इस इलमी महफिल में, में हम सबके वाले की बे इसम वफर की दुआ फरमा दीजिए और मेरा सवाल है, मेरे है इमा, इमाम साहब कि मेरे ये, ये तो मसला महफूज है कि फर्श के बाद जो सुनत पढ़ी जाती है तो उस, 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 उस वक्फा नहीं करना चाहिए लेकिन जो फर्श से पहले जो मतलब जिस सुनतें पढ़ी जाती हैं मिसाल के तौर तो पर सुबह जी फजर की जैसे दो सुनतें हमने पढ़ी और फिर बगैर किसी शरी उजर के और किसी वजायफ के हम उसमें तखीर करके पंद्रह बीस मिनट का या आधा घंटे की तखीर से

जिसम भाई पाकिस्तान में वो अपने अम्मी अबू की कुर्बानी देता है अपनी बीवी के नाम की कुर्बानी नहीं देता है अपनी पेड़ देता है अपनी अम्मी अबू की अच्छा क्या उसको ऐसा करना चाहिए या उसको बीवी की पेड़े देना चाहिए बीवी लेकिन कहती तो कुछ नहीं गई लेकिन वैसे तो दिल में तो बुरा बना दी होगी ना की मेरी तो कुर्बानी नहीं देता लेकिन अपनी अम्मी अपनी दे देता है सही है लेकिन बता ना की ऐसा उसको करना चाहिए या नहीं ठीक है मैं अर्ज कर देता हूँ

थोड़ा सा नर्वस हो रही थी ना मैं सोच रही थी फोन करूँ तो थोड़ी सी नर्वस होगी जी आप हमेशा आपका देखती रहती हैं हम अल्लाह पाक सलामत रखे जी फरमाइए जो मेरी आंटी है ना सा वो उनके लिए था ना कि वो रात को सोती नहीं है उनको नींद नहीं आती अच्छा। पहले ठीक थी अलहमदुल्ला लेकिन अभी कुछ दिन हो गया उनको नींद नहीं आती और सर में जलन और मुंह में जलन होती है उनको अच्छा। और हर किस्म की दवाई दे चुकी हैं यहाँ पे करवा चुकी हैं लेकिन उनको आराम नहीं आता अच्छा। नींद नहीं आती उन्हें अच्छा तो ये कितने अरसे से है उनके साथ ये मसला तकरीबन तो तीन हफ्ते होने वाले होंगे शायद तीन आ, अच्छा, तीन हफ्ते अच्छा 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 तो कोई ऐसे तो, कोई को परेशानी हुई कोई मामला हुआ या बस कुछ अचानक क्या बस, बस कोई परेशानी नहीं लेकिन अचानक से ऐसे हो गया कि उनका जो जो है ना नाक में उनकी जो जो नाक की मेरे में वो कह रही थी कि कि एक तरफ तरफ से से वो वो सांस सांस ले सकती हैं लेकिन दूसरी तरफ से उनको सांस नहीं मिलती उससे मतलब कि वो सोते वक्त तो वो तकलीफ होती है ठीक है मैं दुआ उनको हवाले से हमारे यहाँ दोनों प्रोग्राम होते हैं जो मेडिकल के हवाले से सेहत ज़िंदगी उसके अंदर भी आप लोग जो मेडिकल जो मशवरे वो ले सकते हैं इसी तरह से हकीम फरहान साहब वो तिब नबी के हवाले से करते हैं इस तरह के मसाइल के अंदर आप उनसे भी मशवरा कर सकते हैं बाक़ी कुछ इस हवाले से अगर कुछ पढ़ने के लिए कुछ वजीफ़ा वो भी मैं साथ अर्ज़ कर दूँगा अल्लाह रबुल्ज़त आपके साथ साहबा को सेहत तंदरुस्ती सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और उनकी परेशानी का खात्मा फरमाए अच्छा जी आप शामिल हुए और आपने ये कहा कि सिला रहमी के हवाले से आपने बात की और बड़ी ही खूबसूरत बातें आप हमेशा की तरह करते हैं जी अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए सिला रहमी का मामला आपने जिक्र किया कि अगर कोई शख्स जो है वो कुर्बानी अदा करता है किसी अपने रिश्तेदार को अपने अजीज़ को कुर्बानी का गोश्त भेजता है और वो आगे से गोश्त लेने से ही इनकार कर देता है तो इसके अंदर किस पे गुनाह या किस पे कौन इसके अंदर ग़लत है तो यकीनन आपने अपना एक कहते हैं ना कि जब दो भी नाराज़ हो तो उसमें से जो पहल करता है सलाम लेने का उसको अजर मिल जाता है अगला जवाब दे तो वो भी अजर में शामिल हो जाएगा नहीं होगा तो इसको तो अजर मिल जाएगा तो इसी तरह से आपने पहल की है आपको तो यकीनन अजर मिलेगा और मजीद इस पर क्या है इनशाला उसको मैं अर्ज़ करता हूँ मुख्तसर सा वकफ़ा कंटिन्यू करेंगे अल्लाम आकम्बल वर्का वहमत लाही वरकत उ नासिक्राम प्रोग्राम जस्तजू के आखिरी हिस्से के अंदर खुश आमद इस हिस्से के अंदर भी हम आपके कॉल्स को भी इससे शामिल कर रहे हैं सवाल वाद का सिलसिला भी जारी है आपने पूछा सिल् रहीमिक के हवाल से मैंने अर्ज कर दिया आपने गोश् दे दिया किसी को तो जो नाराज़ भी अगर थे आपने अपनी तरफ से दे दिया उन्होंने ना भी कबूल किया आपको यकीन सिल्ला रहमी का अजर और शबाब अल्ला रबाल फरमाएगा शोहर अगर बीवी को अपने पैसों से हज कराए तो हज हो जाएगा बिल्कुल दोनों का हज अदा हो जाएगा ऐसे ही आपने साथ ये पूछा कि अगर खामन बीवी के तरफ से कुर्बानी कर देता है तो कैसा है अगर वो अपनी बीवी को बता देता है बता के उसकी तरफ से कुर्बानी अदा कर देता है ज़ाहिर दोनों की अलग अलग उसे अपनी भी कुरबानी अगर वो साब न है ख़ुद भी बीवी भी, भी साहब निसब है तो वो अपनी भी कुरबानी करता है बीवी को भी बता के उसकी तरफ से कुरबानी कर देता है तो दोनों की क़ुरबानी अदा हो जाएगी आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि किस तरह से अल्लाह रबुज़त ने उन्हें तमाम कायन की सैर कराई या उसको दिखाया उसका मुशाह कराया कुरे हकीम के अंदर बिल्कुल अल्लाह रबुज़त ने उसका जिक्र किया फरमाया वकदा लिखा नूरी इब्राहिम अलकूत समावत वल्ल तफासिर के अंदर इसकी तशरी में जिक्र किया गया कि अल्लाह अल्लाबुज़त ने हज़रत इब्राहीम आसमाम को हुक्म दिया कि अब बाहर किसी ऊँचे पत्थर पर पहाड़ पर तशरीफ़ ले जाएँ आप वहाँ पर गए और अल्लाह रब्ल ने ज़मीन व आसमान के पर्दे हटा दिए और आपने सारी कायन का मुशाह फरमाया अदरुज शेफ़ कौन सा पढ़ना चाहिए बिल्कुल दरुद इब्राहिमी उसकी अपनी फ़जीलत है इसी तरह से वो दुरुद पाक नमाज़ से नमाज के अंदर तो चूँकि पहले आप नबी यूँ पढ़ रहे होते हैं बाद के अंदर फिर वसलम वो भी साथ हो जाता है सलिल महमद तो बिल्कुल वो दरुद के जिसके अंदर सलात सलाम दोनों के सीगे शामिल हों तो वो ज़्यादा बेहतर और फजीलत वाला है बाकी जो भी आपको आसान है आप उसको पढ़ते हैं सल्हुला हबी भी महमद वसम पढ़ते हैं दीगर जो आपके लिए आसान सीगे के जिसके अंदर सलात सलाम दोनों पेश हो जाते हैं तो नूर नला नूर का मामला है और उसकी बरकतें ही बरकतें हैं आयत करीमा यकीन हर कुरान हकीम की आयत मुबारक वो उसकी अपनी बरकतें और फ़जीलत हैं उमूमी तौर पर जब आयत करीमा कहा जाता है तो उससे मुराद ला अलाबहान इला का इन्नी कुंतु में वो आयत मुबारक़ा वो अल्फ़ाज वो दुआया कलमत के जो अल्लाब्ज़त के नबी सैदा नू आसम ने मछली के पेट के अंदर सदन यूनौल ने कहे थे और फिर अल्लाह रबाया नदीकन जिलुमिन के हज़रतून सलम फ़लत हो तो फ़ल्लामसबीन लबि सफ़ी बकर बात के वो मछली ने उन्हें निगल लिया और अगर वो तस्बी न करते तो हमेशा के लिए वहीं पर रहते तो इन कलम से उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह भी की अपनी कमज़ोरियों का इजहार भी किया रब तआला ने करम फरमाया और फरमाया कि फनज जईनाहु मिन अल ग़म हमने उन्हें उस ग़म से उस मुसीबत से निजात अता फरमाई और ऐसे ही हम निजात अता किया करते हैं तो इसलिए इस मुश्किल के अंदर आयत करीमा को पढ़ना ये बायस बरकत समझा जाता है और यकीन जो इसे यकीन कामल के साथ पढ़ते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए आसानियाँ भी फरमाया करता है इसी तरह से जी मैंने अर्ज़ कर दिया है मज़ीद मरहुमीन की तरफ से आपने अर्ज़ किया है वो भी मैं बता देता हूँ उस पर भी बात करते हैं मस्जिद कॉलर्स से उनको शामिल कर देते हैं जी असल कैसे इमान साहब आप ठीक है हमेशा की तरह माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं आप बहुत शुक्रिया एक सवाल आपसे रोजों के बारे में पूछना था कि के, के कौन से रोजे कितने रोजे रखने चाहिए और कौन से रोजों की ज्यादा अहमियत है ठीक है

बात करते हैं मरीज आपके में अजाफा फरमाए तो एक दो मसले पूछने से एक मसला ये है की अगर शाह की नमाज या सारी नमाजें काफी सालों की कजा हूँ क़ा करने पड़ते हैं शाह है के या नहीं ठीक है एक है दूसरा ये है की हमारे करीबी इधर में वार्स से बात कर रहा हूँ चजीदी खान तो वो जो है मगरब की वो शाह की नमाजें इकट्ठी पा देती है

है मैं है बड़े, तो बड़े खुश नसीब हो आ, हर रोज दो हजार मरतबा पढ़ने हो दिगर कलि आप पढ़ सकती है क्यूँ नही पढ़ सकती आप उसको पढ़ती रहेंटिन्यू करें और जब भी पढ़ा करें मुझे भी दुआ में याद रखा ठीक है बहुत शुक्रिया जजाकम आप शामिल हुई हैं साथ शामिल कर रहे थे कॉलर आपको आवाज आ रही है टीवी की आवाज बंद कर लीजिए फिर बात सुनने समझाने में आसानी हो जाएगी जी अच्छा नेक्स्ट कॉलर उनकी तरफ चलते हैं वरक जी जनाब कौन सा एक, एक दो, दो, दो फरमाइए पहला क्वेश्चन ये है जो शराब को चाश पड़ी जाती है जी तो अभी टाइम जल्दी हो जाता है सुबह का तो क्या उसके बाद सो के उठ के नमाज शराब और शराब का आशपात करते ठीक है और दूसरा आप लोग आप कह रहे थे कि हुक अलबाद के बारे में जी जो हुक अल्लाह है वो इंसान के अपने हथियार में होता है ठीक वो करना चाहे कर सकता है सही जो हुक अलबाद है वो दूसरे आदमियों के साथ जदाजीज और खारू के साथ होते सही अगर वो नहीं समझते कि हकूक हाँ अलबाद वो कहते हैं हकूक हाँ दे हम हम ना दे दूसरा जो बड़ा आदमी है जो रिश्तेदार है जीजो खार है ये हकूक हाँ दे हकूक ब... को वो बूस बूस करते रहते हैं तो भी इंसान होता है ऐसा ही है तो, ऐसे तो ऐसे कितना अर्जा बर्दाश्त करते सकते ऐसे ही है ऐसा ही है तो आज के बारे में बताएं कि आस्ता आस्ता आप आपके जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछें कि पहले जो लोग होते थे वो माफ कर देते थे, थे को. आपका जो जो जनरेशन आ रही है आस्ता आस्ता जो दीन भी है वो भी हम जो दीन हमारे ओरिया लोगों ने बड़े हिंद में और लोगों लोगों से आया उनको मानना छोड़ के अपने पाप बेटे में झगड़े पड़ वो कुछ मान रहा है कुछ पाप और मान रहा है झगड़े पड़ गए इसके बारे में बताएं क्या होगा आस्ता आस्ता ये बड़े महदे अपनी अपनी बना लेंगे ठीक है ठीक है आज मैं इंशाल्लाह आज कर देता हूँ ठीक है अब मैं आज करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियों का मामला फिर मैं नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल कर लेते हैं जी अस्सलाम वालेकुम जी सलाम सलाम भाई मैं मिसेस बात कर रही हूँ जी 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 कैसे हैं आप भाई अल्लाह करम करम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी जी मुझे एक चीज आपसे पूछना है कि मैं आप तो आतिफ़ को तो जानते ही हैं आप जी जी तो, जी मैं उसके लिए पढ़ती हूँ जैसे सी या कुरान का कोई हिस्सा जैसे ये सूरत मल की चीजें पढ़ती हूँ उसके साथ साथ कलमा शरीफ रू शरीफ और इनकी सबकी तस्बिया बहुत सी चीजों की करती हूँ मगर मुझे सही से बताइए कि उसके बख्शने का तरीका क्या है और साथ साथ मैं अपने माँ बाप को अपनी बहनों को भाइयों को जो जो नहीं है अब इस वक्त दुनिया में तो उनके उनको भी बख्शती हूँ तो मुझे बताएं कि सबके लिए एक ही दफ़ा पढ़ूँ सबके लिए और फिर उसको किस तरह से बख्शूं दर्जा बदर्जा ठीक है ठीक है इंशाल्लाह मैं अर्ज़ कर देता हूँ ठीक है जी मैं ज़ुबैरी ज़ुबैर अल्लाह पाक आपको सलामत रखे बरकते फ़रमाएटे आते जुबैरी की तरफ से मर की तरफ से बहुत ज़्यादा माशा वैसे भी सदक़ातें जारी है काम कर रही होती हैं अ करीम उसे भीबूल फरमाए और आपका यह पढ़ना भी अपनी जनाब में लीम शरफ़ कबूलिया नसीब फरमाए मैं इस पर मजीद बात करता हूँ नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल कर रहे थे जी असल

रात के टाइम मुझे लग रहा होता है कि गुरु चढ़ रहा है और कोई नीचे जा रहा है तो काफी जब से वो मूव हुई उसको है तो वो पूछती है कि मतलब ऐसा तो नहीं कि वो लोग कहते होते हैं कि माइंड कर जाएंगे नुकसान ना कोई पहचाए उनकी फैमिली को अच्छा तो वो जब जाके देखती है तो फिर कुछ नजर आता है उन्हें नजर कुछ नहीं आता लेकिन उन्हें फील होता है उनको। अच्छा मैं खुद कभी घर में ना, नीचे बच्चों के साथ बैठा होता हूँ ना तो रात के जब काफी देर टाइम गुजर जाता है ना तो अचानक बच्चों में से वो कहते हैं पता लग रहा है कि कोई चल रहा है कोई 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 जो है ना कोई जा रहा है कोई आ रहा है अच्छा अब वो जब कहना शुरू करते है ना तो साथ उनकी वालदा वो भी यही कहना शुरू कर देती है फिर सारे बीच में से अच्छा मैं कहता हूँ चलो आके देखते हैं ना अगर कोई है तो जरा नज़र आ जाए जरा पता चल जाए पे कोई है जी। तो जी। वो वो सम टाइम जो है वो इस तरह से हमें फील होता है मगर वो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होता भी और अगर वो पिछले पाँच साल से वो कह रही हैं अगर फिर भी उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है तो उन्हें कहें आप मुतमिन रहें इंशाल्लाह आगे भी कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन एक और भी बात है उसके हस्बैंड को पूरा साल हो गया वो लास्ट ईयर पाकिस्तान गया था बकराई पे जी उसके बाद से जब वो वापस आया तो उसके उसको कोई मसला हो गया उसको अब उसके नजर आना बंद हो गया उसको मतलब तो उसकी आई साइड बहुत वीक हो गई है जहाँ पे डॉक्टर्स को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि क्या बात है क्या रीजन है hmm. सारे सारे टेस्ट एवरीथिंग हुए हैं लेकिन hmm. डॉक्टर्स को अभी तक कोई फाइंड आउट नहीं कर सके वापस आके हुआ वापस हुआ जब से वो पाकिस्तान से आया है अच्छा मतलब अब साल हो गया है बकाद को दोबारा बकाद आने वाली है वो काम भी नहीं कर रहा वो पहले शॉपर था तो अब उसने वो भी बंद कर दिया सारा कुछ करना सब कुछ नहीं है मतलब इसकी वजह से वो भी थोड़ी अपसे रहती है वो कहती है पता नहीं मैं जो घर में जो उसको फील होता है उनकी वजह से कुछ हुआ है क्योंकि जब वो किसी से पूछती है तो वो लोग कहते हैं कि आपके घर में कुछ तो नहीं है कुछ भी नहीं घर में घर में, में कुछ आया तो नहीं है तो फिर वो इस हिसाब से वो फिर कंफ्यूज हो जाती है कि शायद घर में कोई है तो उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है तो वो जो पूछते हैं तो फिर वो हल नहीं बताते के भाई उसको निकालते हैं, हैं है। बंद कर, दे कर देते हैं बस ऐसे कुछ करते हैं हाँ। और इसके अलावा एक और बात मैं पूछ एक अब जैसे डॉक्टर ने इसको कहा कि डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या मसला है उनके साथ तो वो जैसे ये सोचना गुड है लोग सोचते हैं हमारे में आ जाता है ना किसी ने कुछ किया हुआ जब से पाकिस्तान उसको मसला हुआ। ठीक है मैं अर्ज़ कर देता हूँ मेरी बहन ठीक है बहुत शुक्रिया आप शामिल हुई अल्लाह आपकी बहन के लिए आसानी फरमाए और उनके हस्बैंड को अल्लाह से तंदरुस्ती सलामती वाली जिंदगी नसीब करे नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल करते हैं वाले वरहमत वरक्रम्ला दो Allah, पाक, सलामत रखे, मुझे एक एक क्वेश्चन प्लीज मैं मैं अपना एक प्लाट चार करना चार तो प्लीज, प्लीज? काम पे प्लाट पे पाकिस्तान में नहीं जी पाकिस्तान है अच्छा, एक, एक शादी के लिए वजीफा बताये पढ़ने के लिए ठीक है मैं अर्ज़ कर देता हूँ ठीक है बहुत शुक्रिया जजाक इसमें पर मज़द इनश्ल्ला आप कुछ काफ़ी सवाल हो गए तो जवाब शामिल कर लेते हैं और फिर इन शाला कुछ कॉल को साथ से शामिल करेंगे आपने पूछा कि जी मरहुम की तरफ से अपने मरहुमीन की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं कर सकते देखिए कुर्बानी उनकी तरफ से करना ज़रूरी नहीं है आ, कुछ लोग अगर ये समझते हैं किर्बानी करना ज़रूरी है तो ऐसा नहीं है हाँ आप उनकी तरफ से पहले ज़हरा आपने अपनी जो कुर्बानी है वो तो अदा करनी है अगर आप साहब निसाब हैं आक़िल हैं बाल हैं और मुक़ीम हैं तो आप पे अपनी कुर्बानी तो वाजिब है उसके साथ अगर आप ये कहते हैं कि अल्लाह पाक का मेरे पास दिया हुआ है तो मैं अपने वाले की तरफ़ से भी अपने मरहुमीन की तरफ से भी यहबानी कर देना चाहता हूँ तो यकीन आप वो भी कर सकते हैं उसमें कोई भी हरज नहीं है दूसरी बात मिस इस नासिर आप माशा हमेशा की तरह शामिल हुई फ़र्ज से कबल अगर सुन्नतें अदा करते हैं और उसके बाद कुछ तख़ीर के साथ फ़र्ज अदा कर देते हैं तो उसमें कोई मज़ायक़ा नहीं है और कोई नमाज के अंदर किसी किस्म की कोई कमी वाकई नहीं होगी लेकिन बहर इंसान को इस हवाले से ये होता है कि जब एक नमाज का टाइम हो चुका है और उसके पास वक्त मैसर है तो वो अपना फ़र्ज़ उसकी अदायगी पहले कर ले और उसके बाद अपनी देकर मसरूफियात करे तो ये एक ज़्यादा बेहतर अमल है लेकिन बहरहल अगर वो सुनतें पढ़ ली हैं किसी मसरूफत में लग गए बात के अंदर फ़राइज अदा किए हैं टाइम के अंदर ही तो उसमें कोई मक़ा नहीं है नमाज़ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा खामंद बी की तरफ से कुरबानी करने के बजाय वालदेन की तरफ से करता है तो कैसा है देखें अगर तो बीवी के ऊपर कुरबानी वाजिब नहीं है अब वो साहिब निसाब नहीं है अगर तो वो साहब निसाब है तो उन्हें अपनी कुर्बानी खुद करनी है अगर खामद उन्हें बता के कर देते हैं अपने भी उनकी दोनों की हो जाती है और अगर वो सब ही नहीं है तो उन पर क़ुरबानी ज़रूरी नहीं है खामद पर भी ज़रूरी नहीं है कि वो उनकी तरफ से कुरबानी करें लेकिन जब वो अपने मरहुमिन वालदे की तरफ से अजीज़ आजीज़ वारब की तरफ से एक सदक़े जारिया के तौर पर कुरबानी कर रहा है तो अल्लाह का बंदा अगर ये भी कह दे कि ये मेरी बीवी की तरफ से भी है तो उसमें कोई हरज नहीं होगा वो वाब का सवाब भी है सदक़े का सदका भी है और डबल वाब है यानी आप अपने शरिक हयात उन्हें भी उनके के लिए भी एक सदक़ा का अहतमाम कर रहे हैं अपने मरहुमीन के लिए भी कर रहे हैं तो ये आपकी एक नफली इबादत हो जाती है एक नफली सदक़ा हो जाता है और इसके ऊपर भी अगरचे लमा की मुख्तलि आर आएँ मगर अक्सर वशतर लमाए हनाफ के यहाँ बाहर अलग जब आप मरहूम की तरफ से उसमें तफरी की जाती है माली सदका बदनी सदक आ, वो मुकम्मल एक डिबेट है लेकिन बहरल अक्सर के मुताबिक आप उनकी तरफ से अपने मरहूमिन की तरफ से जब सदका करते हैं कुर्बानी करते हैं तो बिल्कुल ये अल्लाह इज़्ज़त उसे कबूल फरमाता है आपके लिए भी उनके लिए भी यह खैर बरकत का बायस बना करता है तो अगर जब आप खामन साहब जिनका आपने जिक्र किया वो अपने वालदे मरहुम के साथ साथ अपनी बीवी का भी साथिक कर दिया करें तो अच्छी बात है यह हसन अख्लाक भी है और अजर वब का मामला भी है सा साहबा को नींद नहीं आती तो क्या करें अल्लाह रबुुल्ज़त उनको सेहत तंदुरुस्ती सलामती या था फ़रमाएँ अपना इलाज मुआवज़ा वो भी कराएं और उसके साथ साथ जब आप सोने के लिए जाएं तो अपनी मसनून दुआएं वो पढ़ लिया करें और उसके साथ साथ हबीब करीम सलील वसलम यानी सरबा आप ये मामूल बनाए कि जब मैंने लेटने के लिए जाना है तो मैंने आगाज़ करना है बसमिल्ल रनिम से उसको आप 99 नाइन मरतबा पढ़ें और उसके बाद फिर दरू शरीफ पढ़ना शुरू कर दें दरूज शरीफ पढ़ती जाएँ और अब वो बिसमिल्ल शरीफ आपने पहले पढ़ लिया है उसके बाद आप जब सोएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी आँख लगी है और इन शाला बावजू हो जब आप इस तरह से सोचें या अगर बीमारी या तकलीफ है तो यमुम करके आप सो जाते हैं तो एक तो वो आपका सोना भी इबादत बन जाता है और नींद भी इन शबुज़त पुरसकून तफ़रमाएगा दीर साथ मालजा उसकी तरफ भी अगर ज़रूरत हो तो ज़रूर रुजू करें हज के तमाम रोज़ों की फ़ज़ीलत है नबी करीम अलैहि वसम ने अर्शाद फरमाया कि जो इसके पहले दस दिन हैं ये अल्लाह रबुज़त को तमाम दिनों में से सबसे ज़्यादा महबूब हैं मुफसरिन के मुताबिक दो आ हैं कुछ के हाँ यह है कि मुबारक का जो आखिरी अशरा है उसकी जो आखिरी दस रातें हैं वो रातों के अंदर तमाम रातों से अफजल वो हैं और जो इसकी जो हज की जो पहले दस दिन हैं ये साल के तमाम दिनों में से सबसे अफजल तरीन दिन है और दूसरी राय ये भी है कि ये दस दिन वालफजर वल अशर के मुताबिक ये जो दस दिन है इन दस दिनों का जो अफजलियत है इसका जो मकाम मरतबा है वो साल के दीगर तमाम दिनों और रातों पर आ, इसको शरफ़ और फजीलत हासिल है तो तमाम दिनों की और बिलखसूस जो योम अरफा है गैर हजाज के लिए उसका जो रोज़ा है वो नबी करीम ने साल के पहले और बाद के गुनाहों के कफ़ारे का सबब करार दिया है मज़ीद भी इन शाला इस पर बात करेंगे लेकिन कोशिश यही करें कि जैसे ही ज़िलहद का आगाज़ होता है तो इनशाला रोज़े का भी अहतमाम करें और इसी तरह से जिन्होंने क़ुरबानी करनी है मसनून य है कि वो अपने बाल और नाखन वगैरह पहले से ही काट लें ताकि जब तक कुरबानी ना हो वो इससे एहतियात बरतें ज़्यादा जरा बेहतर है इशा की नमाज आपकी कज़ा हुई तो क्या वितर भी आपको कज़ा करने पड़ेंगे कि नहीं जब भी आप नमाजें कज़ा करते हैं तो उसके अंदर जो आपके फराइज हैं वो भी आप कजा करते हैं और इसी तरह से जो वाज़िबात हैं वो भी कज़ा करते हैं तो वितर व में उसकी भी आप कज़ा करेंगे चौधरी अलिफुल्दीन साहब यही आपके दो सवाल थे दूसरा फिर भी है कि मगरब और इशा अनाफ के हाँ आप बगैर ज़रूरत के इकट्ठा नहीं पढ़ सकते आप अपने अपने औका के अंदर इन न सलाह तक ना ताल नहीं रखे था अब अवकू था अपने मकर्रा अवात के अंदर आप उसे पढ़ें दरूज शरीफ आपने मुख्तलिफ बताए आप पहले कुछ और पढ़ रही हैं अभी मज़ीद भी आपने किसी किताब के अंदर वो पढ़ा है तो आप उसे पढ़ सकती हैं यकीन पढ़ सकती हैं दरुद पाक की बहुत सारी बरकत भी हैं और भी हैं मजीद हकूक इबाद के हवाले से आपने बात की और हकूक लबाद यकी आपने इस हवाले से तफसीला आप जिक्र कर रहे थे आप अपनी कोशिश करते हैं देखिए मैंने इसीलिए इस पर तफसीला बात किया ऐसा होता है अकारब कल आप बसा अवकात लोगों के साथ बहुत अच्छा कर रहे होते हैं वो अच्छे का रिस्पांस अच्छा देने के बजाय उल्टा अजियत का बायस बन रहे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा उनके अंदर इन्वॉल्व ना हो शरी मामला तक सलाम दुआ की हद तक रखें और उस ऐसे लोग के जो फिर बाद में अजियत का बायस बने ज़्यादा गुरबत की जरूरत ही नहीं है इतना भी काफ़ी है शरीर सलाम दुआ वो मोरदन इनफ है मिस जुबारी आप अपने बेटे के लिए पढ़ती हैं सदक़ात का अहतमाम करती हैं तो बिल्कुल जैसे आपने कहा ना दर्जा बदर्जा आप उनके लिए जैसे दुआ का एहतमाम कर रही होती हैं तौर पर वो काफ़ी आपने कहा कि मैंने ये जो कुछ पढ़ा है इलाहालमिन तो इसे कबूल फरमा इसके अजर ववाब जुमला जो साली अमत है उसके साथ साथ आपके बेटे को भी अता फरमा तो ये इनशालाबिल से इसेबूल भी फ़रमाएगा और उसकी बरकत भी आपको अता फ़रमाएगा उसके साथ साथ आपने ये कहा कि घर के अंदर आपको लगता है कि कोई जिन है और अब इसका अगर आप साथ कुछ काम कराते हैं तो क्या कोई नुकसान देगा कि नहीं देगा इस पर भी बात करते हैं कॉलेज वेट कर रहे हैं उनको जरा साथ शामिल कर लेते हैं असलकुम रहमतुल्ला जी क्या हाल आप ठीक है अलहमदुल्ला मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कुरान करीम की कोई सूरत जा...

टीवी से भी पूछाया जब कुछ लोग बोलते हैं कि वो नी तो कुछ बोलते हैं है तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे

घर में कोई जिन है और अब वो आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा अगर आप ऊपर जो है वो उसकी कोई वो बनाना चाहते हैं लॉफ्ट वगैरह बनवाना चाहते हैं आप जिन से ज़्यादा ताकतवर हैं अगर आपको अपने जो जात है ऐसा यकीन हो तो कोई भी जिन कोई भी चीज़ आपसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है अल्लाह इज़्ज़त ने इंसान को मखलूक़ात बनाया है तो आप अपने ऊपर यकीन करें और इन शह अल्ला रबुल्ज़त की तरफ मुतवजह रहें आप अपना ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ मजबूत रखें और फिर कायनत की कोई भी चीज़ उसके हुक्म के बगैर वमा हम बेदारीन अभीदिनला भीसिन तो अगर आप बहुत ज़्यादा वसाविस का शिकार होंगे और इस तरह के मामलात के अंदर आपको यह लगेगा कि और फिर आप ये देखें ना अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी खामद तो को अगर नज़र की कमज़ोरी हो गई है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई साया है कोई फ़लानी चीज़ है तो तभी ऐसा हुआ है इंसान बहुत सारे इंसान मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हो जाते हैं मुख्तलिफ मसाइल के शिकार हो जाते हैं डॉक्टर्स को भी अंडरस्टैंड करने में बसावत वक्त लगता है तो आप शुक्रकशबहत के अंदर ना पढ़ें आप अल्लाह रबुज़त की जात पे यकीन रखें और इन शाला उसकी तरफ मुतवजहें अगर आपको ये लगता है तो आप एक मामूल बनाएँ सूरतबकर कोशिश करें कि इकट्ठा हर रोज़ अगर मुकमल पढ़ सकें तो सुबह अल्लाह वगरना यह कोशिश करें कि हर तीन दिनों के अंदर सुरह बकर को ख़त्म करने की कोशिश करें उसका एक मामूल बना लें तो इन श्ला कुछ अरसे के लिए आप इसको कंटिन्यू करें अगर कोई ऐसा कोई मसला हुआ भी तो इन उससे अल्लाह रबुल इज़त आपको आसानी और छुटकारा नसीब फरमाएगा और उसी तरह से आपने जी जिक्र किया है आप कुछ प्लाट बेचना चाहती हैं शादी के हवाले से भी जिक्र किया सोह मुल्क पढ़ के स्वाब के हवाले से भी इन चूँकि बिल्कुल मैं प्रोग्राम के अख्ताम पर आप पहुँचाऊँ आपके इन्हीं सवालत के जवाब को इन अगले प्रोग्राम के अंदर शामिल करने की कोशिश करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफ़ असलकुम वह वक्त